मरियम ने जो अभी बयान दिया है, मरियम नवाज साहब ने, आपने जरूर सुना होगा खान साहब के रिलेटेड, के घटिया शख्स और शैतान, ये वो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं उनको कहना चाहूंगी कि वो कोशिश अच्छी कर रही हैं कि वो किसी तरह उनको घटिया आदमी साबित करके वो अपने इर्द गिर्द रख लें, क्योंकि सारे घटिया तरीन आदमी उन्होंने अपने इर्द गिर्द रखे हैं। सबसे बड़ा घटिया तरीन आदमी तो उनका बाप है, जो सियासत के लिए किसी औरत की गंदी नकली नंगी तस्वीरें जहाँ से फेंकता रहा, असेंबली में खड़ा होकर उसको पीली टैक्सी का। उससे घटिया आदमी उसके दो भाई हैं जो पाकिस्तान के पैसे पे चोरी किए हुए यहाँ से पैसे से बाहर अयाशी कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। उससे घटिया आदमी उसका शौहर है जो जहाँ नौकरी करता था उनकी बेटी लेके भाग गया। उससे घटिया आदमी उसका नया बाप जरदारी है जिसने कराची को कूड़ादान बनाया है। कराची को वहाँ पे लोग चौकियाँ गोली मार के चले जाते हैं और वो इस काबिल नहीं है कि कराची को संभाल सके। वो पैसों से लोटे खरीदता फिरता है या तो प्राइवेट जेट में बैठा के दुबई छोड़ाता है। उससे घटिया आदमी उसका तीसरा बाप मौलाना फजलुर रहमान है जो मजहब के नाम पर सियासत करता है, जिसके मुताबिक औरतें तितलियाँ हैं। उससे भी घटिया जो आदमी है वो उसका नया भाई है बिलावल, जो जिसकी माँ के लिए सब कुछ कहते रहे, वो बगैरत इनकी गोद में बैठा हुआ है, घटिया भी और बगैरत भी। उससे भी घटिया इसके चचा है जो अरबों की करप्शन में मुलव्वज़ हैं और वो दो नंबरियाँ करके और बूट चाट चाट के पीएम बन गए हैं। उससे भी घटिया इसके चाचा का बेटा है जो अरबों की करप्शन में और होटलों में जाके वो सीएम बनता फिरता है। तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द सारे घटिया तरीन मर्द इकट्ठे किए हुए हैं और वो किसी तरह कोशिश में है कि मैं इमरान खान को भी घटिया साबित करके अपना कोई काम पूरा कर सकूँ, मगर वो घटिया है ही नहीं। वो जो जूती पहनता है ना पेशावरी, वो भी तुम्हारे मुँह से ज़्यादा प्यारी है, तो तुम्हारा कोई चांस